अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यार तो सॉरी, काफ़ी अरसे के बाद दोबारा व्लॉग बनाने के लिए। दरअसल जिनको पता है, बल्कि किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि हमने 23 मॉडल होंडा सेल कर दिया था, तो अब हमने ले लिया है 2024। तो उसके सारे काम तो मैंने करवा लिए थे, लेकिन उसके रिम्स में जो पॉलिश लगनी थी, आज मैं वो पॉलिश लगवाने जा रहा था और व्हील बैलेंसिंग करवानी थी। तो मैंने कहा चलो दोबारा से आपको प्रोसेस दिखा देते हैं, ताकि जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाए। अभी आप होंडा चेक करें और फिर हम इसका काम करवाते हैं। ये हमारा होंडा 2024 ब्लैक। यार रेड में इतना ख़ास नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा ब्लैक, पहले भी ब्लैक था, तो दोबारा ब्लैक ले लेते हैं। गाइस चलते हैं हम अपने मैकेनिक के पास, उससे काम करवाते हैं, क्योंकि आप सबको पता है मैं अपने मैकेनिक से अपना काम करवाता हूँ सारा बाइक का। उसके पास चलते हैं और फिर वहाँ जाके मैं आपको सारा काम दिखाता हूँ। लेट्स गो। तो यार शॉप पे हम आ गए हैं, ये वाली शॉप है, ये वाली, ये सलमान, ठीक है, माशाल्लाह होंडा सेंटर। और ये हमारा होंडा खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा मैकेनिक साहब इस बाइक को जुड़े हैं, उसका तो काम हो रहा है, ऐसा कि आप देख सकते हैं वो सामने अंदर है। तो अभी जैसे ही ये फारिग होता है, तो हम अपनी बाइक का काम करवाते हैं इससे और मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ। तो सलमान भाई कितने पैसे लग जाएंगे यार हमारी होंडे पे? ये जो आप काम बता रहे हैं लुक का, हाँ लुक आपकी जो है ना वो हम लगा के देते हैं सारा, जो है ना इसका 500 रुपए तक देते हैं, 500। ठीक है। और व्हील बैलेंसिंग? व्हील बैलेंसिंग का आपका जो जितने हो जाएगा वो आपका तकरीबन 300 रुपए तक जाएगा, 300 लगा के आपका 800 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसमें कोई कमी पेशी होगी अगर कोई आता करवाने के लिए? हो जाएगी, हो जाएगी। चलो ठीक हो गया। तो यार आप देख सकते हैं, जिन बाइकों को कोई हाथ नहीं ना लगाता उनको हमारे सलमान भाई भी बिल्कुल ठीक करके भेजते हैं। तो जिनने भी अपना काम करवाना है वो यहाँ पे आ सकते हैं, माशाल्लाह होंडा सेंटर पे बेहतरीन कर देते हैं काम हम। हाँ, तो यहाँ पे आके आप अपना काम करवा सकते हैं, बाकी जब हमारी बारी आती है तो हम भी अपना काम शुरू करवाते हैं। गाइस ये देख सकते हैं आप, 110 किलोमीटर चला। तो शुरू में हमें इसकी व्हील बैलेंसिंग एक बार करवानी पड़ती है, क्योंकि जो कंपनी की तरफ से आती है ना, उसमें उन्होंने सिर्फ जाल हल्का सा टाइट करके दिया होता है, मुकम्मल टाइट आपको एक बार करवाना पड़ता थोड़ा सा चलाने के बाद। भाई कितना टाइम है? फिर भी कितना टाइम लग जाएगा? अच्छा बस यार, आप लोगों ने दुकान की हालत पे नहीं जाना, काम ये बहुत अच्छा करता है, तो दुकान को कोई ना देखे। तो यार फाइनली हमारी बाइक की बारी आ गई है, तो ये हम उनको चाबी दे रहे हैं और ये लेके आएंगे। ये साइड पर अपना काम वगैरह ना करें, ये
बहुत शुक्रिया जी। भाई निशान कोई ना पड़े उस पर। यार कुछ लोग कह रहे थे कि चेंजेस नहीं किए, सिर्फ ग्राफिक्स चेंज किए हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ इन्होंने यहाँ पे बहुत चेंजेस किए हैं। इसकी ये जो चादर है और ये ब्रेक शू हैं, ये पहले से इन्होंने अच्छे बना दिए, मोटी कर दी गई ये चादर। इसकी अगली हब भी बड़ी कर दी गई और इसमें भी उसकी भी क्वालिटी इन्होंने अच्छी कर दी है पहले से। और इस होंडे में आई डोंट नो इन्होंने क्या किया, लेकिन पहले वाले से वाइब्रेशन बहुत कम है, मतलब 70, 80, 90 की स्पीड तक भी इसमें वाइब्रेशन बहुत कम होती है। यार व्हील जा रहे हैं बैलेंसिंग होने, तब तक हम इसका कंपाउंड का प्रोसेस करते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो भाई अब और कितनी देर का काम है ये? हेलो, आपसे पूछ रहा हूँ और कितनी देर का काम है? तकरीबन को आपको घंटा लग गया ना आपका ना? ये लोग का हम अभी बनाने लगे हैं। जी लोग का भी बनेंगे। तो गाइस आप ये चेक कर सकते हैं, ये लोग हम खुद ही बनाएंगे और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि किस तरह बनती है। यार ऐसे ना किया करो, पेट्रोल आ गया बहुत महंगा है। ये आपकी करना है। मारा लगेगा, चलो बहुत पैसा आपके पास भैया। बस नहीं भैया, अभी वो चक्कों में भी मारना है। तो यार अब मरगाड़ खुलने लगे हैं, क्योंकि ऐसे अगर हम लगाएंगे तो इसके यहाँ पे सारे निशान पड़ जाएंगे लुक के, तो वो हम नहीं चाहते, इसलिए हम यहाँ से इनको खोल लेंगे और ये खोल के करना आसान हो जाएगा, अगला भी खुलेगा और ये वाला भी खुलेगा। कटेगा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। यार अब अगला खुल रहा है, इसकी कंडीशन देखते अंदर से कैसी है, एडिट करके कर देंगे एडिट। हो गया दिखाओ जरा। यार ये देख सकते हैं,
इस जगह पे जंग से बचाने के लिए ना हम कंपाउंड कर देंगे। तो अभी करते हैं दोबारा, और ये अगला भी उतर गया, इसको भी साफ करो यार, अच्छे से करना। बाइक की कंडीशन देख सकते हैं, गंजी हो गई एक तरह। यार मैं ये देख रहा था पिछले वाले से कंपैरिजन, तो नो डाउट इन्होंने बिल्ड क्वालिटी पहले से अच्छी कर दी है, कि जब मैंने लास्ट वाला लिया था उसके तो लेते साथ ही अंदर जंग लगा हुआ था, और इनकी कंडीशन ऐसी नहीं है, इनकी गेज भी भारी लग रही है मुझे। तो कोई नहीं, होंडा अच्छा काम किया इस बार। यार ये आप चेक कर सकते हैं, लेमिनेशन मैंने इससे पहले ही करवा ली थी, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने जब होंडे की करवाई थी तो मैंने उसकी वीडियो बना के डाल दी थी, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से पता लगता है, लेकिन अगर आप वैसे टैंकी की तरफ गौर करें तो वैसे नहीं पता चलेगा आपको। तो अगर आप, कुछ लोग कहते हैं कि ये डैमेज कर देती है पेंट को, पर ऐसा कुछ नहीं है, जब भी आप लगवाएं इसको 4 से 5 महीने बाद इसको चेंज करवा लें, और जब चेंज करवाएं तो जिससे आपने लगवाई है उसी से चेंज करवाएं, ताकि उसको पता हो तो इसको उतारना किस तरह है। ज़्यादातर ये हीट दे के फिर उतरती है और आराम से उतरती है, कोई डैमेज नहीं होता इसमें। कुछ मैंने ये चैन कवर एक्स्ट्रा लिया हुआ था, तो उस पर स्टिकरिंग पहले थी, तो मैंने इस पर दोबारा करवा ली थी। अभी इसको और गाढ़ा करेंगे ताकि ये आराम से इसके ऊपर लग जाए, ये भी काफ़ी लाइट है। ये अब गाड़ी हो गई है पहले से, अब इसको हम लगाते हैं इस पर। आप देख सकते हैं फ्रंट मड गार्ड को, बैक मड गार्ड को, और एक रिम को कंपाउंड लग गई है, लास्ट रिम रह गया। अब इसको लगा के फिर हम इस पर टायर चढ़वाएंगे, और टायर चढ़वा के फिर होंडा पे फिट कर देंगे, बस इतना सा काम रह गया। तो यार फाइनली मरगाडों को और व्हील्स को कंपाउंड लग चुकी है, तो बस इन पे अब टायर चढ़ने हैं, टायर चढ़ने के बाद इसको फिट करना है, और बस सब चीज़ों को कंपाउंड लग गई है, व्हील बैलेंस हो गए हैं, बस इनको अब टायर लगवाने हैं, और टायर लगवा के होंडा पे फिट करते हैं। तो बस बाकी का प्रोसेस सिंपल है, तो इसकी मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर ये आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।